कॉस थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यही क्यों यूज किया, वन माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला फिक्स है, कॉस थीटा बाय टू माइनस साइन थीटा बाय टू होल स्क्वायर, इसका फिक्स नहीं, इसके चार चार है ना। फिर सवाल उठा कि सर चार में से कौन सा, तो वही यूज करो जो नीचे वाले से मैच करता है, वो था पहला वाला कॉस स्क्वायर माइनस साइन साइन। अब बताओ क्या करेंगे आप, हम यहाँ पे नीचे तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो ब्रैकेट का स्क्वायर है, लेकिन ऊपर कर सकते हैं, ऊपर अल्जेब्रिक फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं, कौन सा अल्जेब्रिक। अब अपने लिए कोई ये कॉस और साइन नहीं है भी, अल्जेब्रा यानी ये ए हो गया स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस, इसको ट्रिग्नोमेट्री की तरफ से मत देखो, अलजेब्रा की तरफ से। जैसे साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको अलजेब्रा की तरफ से देखता हूं, अलजेब्रा तो अलजेब्रा बोलता है साइन स्क्वायर का मतलब होता है साइन का कितनी बार मल्टीप्लिकेशन, दो बार, ये अलजेब्रा बोलता है। ट्रिग्नोमेट्री बोलती है साइन स्क्वायर थीटा का तुम वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, वन माइनस, ये अलजेब्रा नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। और ये क्या किया तुमने, अलजेब्रा, कभी पावर टू का मतलब दो बार मल्टीप्लिकेशन, ये ऐसा ये फर्क पड़ता है हम कौन से नजरिए से देखते हैं ऐसा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस, ऊपर दो ब्रैकेट है नीचे भी दो ब्रैकेट है, और बताओ ये ऊपर के दोनों अलग अलग है नीचे के सेम है, बताओ ये माइनस वाला ब्रैकेट और ये माइनस वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बताओ क्या बचे, ये माइनस वाला ब्रैकेट कट गया तो ये वाला प्लस वाला बचेगा ऊपर, तो माइनस वाला ब्रैकेट यहां से कटेगा, ये तो कट गया, यहाँ पे कितने ब्रैकेट है ऐसे, दो ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट कटेगा तो एक माइनस वाला फिर से बचेगा ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली दो ब्रैकेट है ऐसे स्क्वायर का मतलब, एक ही ब्रैकेट कटेगा तो एक ब्रैकेट और बचेगा। और अब बताओ, अब भाई ये कॉस और साइन की पेयर जो हम पहले से पढ़े, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स बाय टू, बताओ कॉस से डिवाइड किया तो क्या होता है, वन प्लस टेन और नीचे वन माइनस, और वन और टेन की पेयर नहीं तो क्या होता है, टेन फाइव बाय फोर, ऊपर का साइन और एंगल कौन सा है एक्स बाय, फिर ये दोनों क्या हो जाते कैंसिल। अब ये बन गया प्रॉब्लम सिंपल, और अब करो आप डेरिवेटिव, तो इसका जीरो होगा और इसका वन बाय टू होगा, तो आंसर कितना है। अब देखो प्रॉब्लम दिखता कैसे तो होगा, तो बताओ ये कॉस और साइन का मैंने सबसे पहले आपको यही पढ़ा है, और उसके बाद ऐसे प्रॉब्लम ले रहा हूं जो कॉस और साइन में है नहीं लेकिन बाद में आ जाते हैं, ठीक है ना। इसमें पहले ये पढ़ाना जरूरी होता है कि इसकी प्रैक्टिस एक बार कर ली, उसके बाद फिर ये नहीं दिया तो कैसे, तो भाई ऐसा करो भाई लाओ यहाँ। अब बताओ ये टेन इनवर्स था, अब इसमें मैं दे रहा हूँ कॉट इनवर्स, और अगर मैं ऊपर दे रहा हूँ कॉस थ्री एक्स और नीचे दे रहा हूँ वन माइनस साइन थ्री या वन प्लस साइन थ्री। अब बताओ सबसे पहले कॉट इनवर्स का क्या करोगे, तो क्या होगा बताओ, वन प्लस साइन थ्री एक्स का आ जाएगा ऊपर और कॉस थ्री एक्स का आएगा नीचे, फिर से बताओ जो बाहर है वही, सर जो बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर टेन चाहिए, तो नहीं है ना, अंदर टेन नहीं है तो कैसे लाया, देखो ये ऐसा किया बराबर एंडिंग में टेन आ गया, तो किया क्या, इनके फॉर्मूले सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले होलसेल फॉर्मूला सोचना पड़ता है, बताओ ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या, वन प्लस साइन अपॉन कॉस, वन प्लस साइन अपॉन कॉस ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, जब होलसेल फॉर्मूला नहीं है तो सेपरेट सोचना, सेपरेट है ऊपर का अलग नीचे का, तो ऊपर का फॉर्मूला है अलग, वन प्लस साइन थीटा क्या है, वन प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू होल स्क्वायर, थीटा बाय टू थ्री एक्स का क्या होता है थ्री एक्स बाय टू, कॉस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू होल स्क्वायर, और कॉस थीटा का सर कॉस थीटा के तो चार चार आप एंगल फॉर्मूले, कौन सा यूज कर रहे हैं, कौन सा पहला वाला क्या है, कॉस थीटा का पहला एंगल फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय। अब एक बात और बता दें, ये देखा जाए तो कॉस थ्री एक्स है, तो कॉस थ्री एक्स का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला में क्या फॉर्मूला है, कॉस थ्री एक्स फोर कॉस स्क्वायर एक्स, वो यूज किया गया हमने, हम नहीं किया वो यूज कर दो तो कोई फायदा नहीं होता, इसलिए हमने इसको कॉस थ्री एक्स की नजरिए से नहीं देखा, देखो नजरिया डिपेंड करता है, आप इसको कॉस थ्री एक्स की नजरिए से देखोगे तो ये ट्रिपल एंगल जैसा दिखेगा, हम ट्रिपल एंगल की नजर से देख ही नहीं रहे,
हम इसको cos 3 थीटा बोल नहीं रहे, हम उसको cos थीटा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? cos थीटा, वो 3x फेस कुछ नहीं थीटा। अब cos थीटा की नजर से देखा तो cos थीटा के चार फॉर्मूले का, तो वो कौन सा फॉर्मूला? cos स्क्वायर थीटा / 2 - sin स्क्वायर थीटा। अब बताओ ये वैसा ही है कि बोलो क्या करोगे आप यहां पे? ये स्क्वायर है तो जैसा है वैसा, स्क्वायर को कुछ नहीं करना, ये जो स्क्वायर है वो जैसे वैसा। नीचे बताओ a स्क्वायर - b स्क्वायर, यही क्या करनी है? a स्क्वायर - b स्क्वायर, a + b a - करो आप। a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला, अलजेब्रिक फार्मूला, a + b a - मेरे पहले आपका खत्म हो जाना चाहिए सॉल्व करके। ये प्लस वाले दो ब्रैकेट है और यहाँ पे प्लस वाला एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट कटेगा तो यहाँ पे तो कट गया, तो एक ही ब्रैकेट बचेगा, ठीक है? ये तो कट गया प्लस वाला, अब यहाँ पे कट गया तो एक ही बचा, यहाँ पे कट गया तो एक ब्रैकेट और बच, क्योंकि दो ब्रैकेट है ना, एक बच गया। और अब बता, अब ये बन गई कॉस और साइन की पेयर। और बताओ कॉस और साइन की पेयर है तो क्या करते? डिवाइडिंग न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस, ये। और आप बताइए अगर कॉस से डिवाइड किया तो क्या होता है? हाँ, अगर कॉस से डिवाइड किया तो, कॉस से डिवाइड किया तो दोनों जगह क्या आएगा? वन ऊपर आएगा, साइन को डिवाइड किया तो टेन। और अब ये पेयर बन गई वन और टेन। वन और टेन की पेयर का शॉर्टकट क्या है? टेन पाई बाय फोर, ऊपर का साइन और एंगल जो भी है थ्री एक्स वाई। अब बताओ जो बाहर है वही अंदर, लिख लिया। और बस अब इसका भी डिग्री को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिग्री एक्स का साइन सबको लगेगा, कांस्टेंट का 3 बाय 2 बार x का कितना 1, ये है आंसर, ठीक है? ऐसा है कुरमो।